हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 7 में हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। तो आइए अन्योन्य प्रेरण पढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप स्थित कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वह प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाता है तो समीप स्थित द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जो मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिससे प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन करने से समीप स्थित द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, ये देखिए, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। यहाँ ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है।
ये प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ऐसे, तो ऐसे धारा प्रवाहित होती है। ठीक, ऐसे धारा प्रवाहित होती है। तो यह द्वितीयक कुंडली है, इसमें ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे, ठीक, ये प्रेरित धारा। यहां देखिए, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह रोकते हैं, अर्थात कुंजी बंद कर देते हैं, कुंजी खुली रखते हैं, अब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, तब इस द्वितीयक कुंडली में पहले की ही दिशा में यह धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा। यहां धारा बंद और यहां धारा प्रवाहित। ये ऐसे, ठीक। तो आपने ये पहले वाले चित्र में देखा कि जब प्राथमिक कुंडली में, इसको हम प्राइमरी कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और इसको हम सेकेंडरी द्वितीय कुंडली कहते हैं। ऐसे ये प्राइमरी है, ये द्वितीयक है। तो जब हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके समीप स्थित कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो मूल धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, माने कुंजी को खोल लेते हैं, तब इस द्वितीय कुंडली में पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा मूल धारा की ओर होती है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में यह मूल धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 व प्रवाहित धारा I1 है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 व प्रवाहित धारा आई है।
प्रति फेरे चुंबकीय फ्लक्स समीप द्वितीयक कुंडली में ठीक प्रति फेरे चुंबकीय फ्लक्स फाइ तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या की संख्या n टू फाइव प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है अतः n टू फाइ प्रोपोर्शनल टू आई यहां प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए बराबर और एक कांस्टेंट n टू फाइ बराबर यहां जो कांस्टेंट प्रयोग में लाते हैं वो है कैपिटल m i यह समीकरण एक अथवा यम इक्वल एन टू फाइव अपान आई यदि आई बराबर एक एम्पियर तो यम बराबर n टू फाइ अतः प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के मध्य बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होती है
जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो ठीक। तो इस प्रकार से हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित किया। आइए और आगे देखें फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के नियम से जब प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो समीप स्थित द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी या डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी ये समीकरण दो। हम जानते हैं अवकलन में ये कांस्टेंट को हम अवकलन के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि किसी कांस्टेंट और फलन के गुणनफल का अवकलन कांस्टेंट को अलग लिखते हैं फलन का अवकलन करते हैं तो ये जो कांस्टेंट अलग लिखा है इसको हम फलन के साथ ले लें अथवा E इक्वल माइनस डेरिवेटिव ऑफ n टू फाई विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इस समीकरण एक से n टू फाई की जगह लिख देंगे m इंटू आई। समीकरण एक देखिएगा n टू फाई इक्वल m इंटू आई है तो ये हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ
इस n टू फाई की जगह m इन टू आई विद रेस्पेक्ट टू टी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हमने किया किसी कांस्टेंट और फलन के गुणनफल का अवकलन, तो हम कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ m म्यूचुअल इंडक्टेंस m ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख दे रहे हैं, तो ये हुआ e इक्वल माइनस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ i विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ से अथवा म्यूचुअल इंडक्टेंस m इक्वल माइनस से गुणा करें, यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस e डेरिवेटिव ऑफ i विद रेस्पेक्ट टू t गुणा है, इधर आके भाग हो गया डेरिवेटिव ऑफ i विद रेस्पेक्ट टू t। तो इस ढंग से ये हमको मिला m इक्वल टू माइनस ई अपान दिस, इसको हम समीकरण तीन कह दे रहे हैं। यहाँ यदि डेरिवेटिव ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल वन एम्पियर पर सेकेंड, तो यम इक्वल यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ई, इसका मतलब विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान, आंकिक मान। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन हो, ठीक इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व की ये दूसरे ढंग से हमने परिभाषा किया दिया। अब आइए इस अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक पढ़ते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका यस आई मात्रक हेनरी है, अब हम एक हेनरी को परिभाषित करेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित हो
प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व एक हेनरी होगा। इस प्रकार हमने हेनरी को परिभाषित किया। अब आइए अन्योन प्रेरकत्व की बीमा देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा, चूंकि यम इक्वल माइनस ई ओवर डेरिवेटिव ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका संख्यात्मक मान लें, ये dt नीचे है ऊपर चला गया, e इंटू डी टी अपान टी आई, फिर देखिए या m इक्वल ये प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर v w बटे क्यू गुणे dt बटे डी आई। यही देखिए W बटे Q बराबर होता है I इंटू टी, टी की जगह dt इंटू डी टी बटे डी आई। ये देखिए dt dt से कट गया, या यम बराबर आ गया W अपान I डी आई। W माने कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होता है अब यम की बीमा देखिए, ये कार्य की बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये आई गुड़े आई माने आई स्क्वायर, इसकी बीमा हो गई पावर टू, ऊपर गया तो माइनस टू। तो इस प्रकार यम की बीमा आ गई यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू।
यही हम यल की भी बीमा निकाले थे, याद कीजिए। अब हम पढ़ेंगे दो समाक्ष कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समाक्ष कुंडलियों के दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक, दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। माना एक प्रणालिका है, लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई यल है, उसमें फेरों की संख्या यनोन है। माना यल लंबी प्रणालिका के फेरों की संख्या यनोन व प्रवाहित धारा आई है, इसके भीतर यन टू फेरों वाली छोटी प्रणालिका स्थित है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अतः प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल म्यू जीरो एन आई, बी इक्वल म्यू जीरो एन आई, जहाँ एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो यह हो गया म्यू जीरो एन की जगह एन वन अपान एल आई, ये समीकरण एक हो गया। अब प्रति फेरे चुंबकीय फ्लक्स, प्रति फेरे चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल बी ए, बी का मान म्यू जीरो यनोन आई अपान एल इंटू ए, ये समीकरण दो हो गया, ठीक। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि एम आई इक्वल एन टू फाई, इसलिए एम इक्वल एन टू फाई बटे आई, मान रखिए एन टू बटे आई, फाई का ये मान समीकरण दो से गुड़े म्यू जीरो एन वन आई ए बटे यल। देखिए आई ऊपर और नीचे से कट गया, अथवा यम बराबर आया म्यू जीरो एन वन